उमरा को लूटकर गरीबों की मदद करने वाले लुटेरे का जिक्र आए तो हमारे जहन में फौरन सुल्ताना डाकू का नाम आता है, जो कि अपनी जिंदगी में ही एक अफसानवी किरदार बन चुका था। दर्द दिल रखने वाला सुल्ताना डाकू हर डाके की मनसूबाबंदी इंतहाई एहतियात के साथ करता और हमेशा कामयाब लौटता। कहा जाता है कि वो बड़े नडर तरीके से डाका डालता और खून बहाने से हत्तल मकदूर गुरेज करता, लेकिन अगर इसका कोई शिकार मुजाहमत करता तो वो इसको बेदर्दी से कत्ल करने से भी दरेग नहीं करता था। पूरी जिंदगी कानून की हिरासत से बच निकलने वाला सुल्ताना डाकू बिलाखिर अपने करीबी काबिल एतमाद साथी के हिर्स और बेवफाई की वजह से अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने इसे सन 1924 में साथियों समेत फांसी पर लटका दिया। अपने साथियों समेत बरतानवी काउंटी नॉटिंघम शायर में शेरवुड के जंगलात में रहने वाले गरीब परवर डाकू और 14वीं सदी के किरदार रॉबिन हुड की तरह सुल्तान भी अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। सुल्ताना डाकू के अकीदे से मुतालिक कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। बेशतर लोगों के नज़दीक वो मुसलमान था, जबकि चंद मौरखीन ने इसे हिंदू अकीदे का पैरोकार बताया है, क्योंकि वो भातू कौम से ताल्लुक़ रखता था जो अकीदे के लिहाज से हिंदू थी। सुल्ताना और इसके गिरोह के लोग जिला मुरादाबाद के रहने वाले थे और सब के सब जुराइम पेशा थे। सुल्ताना और इसके गिरोह के अफराद मुख्तलिफ जराइम में सजा के तौर पर यूपी के इलाके नजीबाबाद में पत्थरगढ़ के कले में कैद किए गए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये अफराद कैद से फरार होने लगे और इन्होंने भातू कौम ही के एक शख्स बालमकुंद की क्यादत में चोरी चकारी की बातें शुरू कर दी। बालमकुंद एक दिन अपने जोम में मालूफ खान नामी एक बहादुर पठान से उलझ बैठा और इसकी गोली का निशाना बन गया, जिसके बाद इस गिरोह की क्यादत सुल्ताना के हाथ में आ गई। सुल्ताना इब्तदा में छोटी मोटी चोरियां करता था। उर्दू के पहले जासूसी नावल निगार और अपने ज़माने के मशहूर पुलिस ऑफिसर जफर उमर इसे एक बार गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए थे, जिस पर इन्हें 5,000 रुपये का इनाम मिला। जफर उमर की साहबजादी हमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी ने अपनी किताब नायाब है हम में लिखा है कि जफर उमर ने सुल्ताना को एक दूबदू मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया था। उस वक्त सुल्ताना पर सिवाय चोरी चुकारी के कत्ल का कोई इल्ज़ाम न था, इसलिए उसे महज 4 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई। जफर उमर ने इसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाली रकम अपने सिपाहियों और इलाके के लोगों में तकसीम कर दी थी। बाद हज़ार जफर उमर ने उर्दू में कई जासूसी नावल तहरीर किए, जिनमें पहला नावल नीली छतरी था और इसकी कहानी का महवर सुल्ताना डाकू ही था। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को असरिनो मुनज़म किया। इसने नजीबाबाद और सहनपुर के सरकर्दा लोगों से रबते उसवार किए और अपने काबिल एतमाद मुखबरों का जाल बिछाकर मालदार असामियों के घरों पर डाके मारना शुरू कर दिए। सुल्ताना हर डाके की मनसूबाबंदी बड़ी एहतियात से करता और हमेशा कामयाब लौटता। सुल्ताना की कोशिश होती कि कभी किसी को जानी नुकसान न पहुँचाए, लेकिन अगर कोई इसकी राह में हायल होता तो वो इसे कत्ल करने से भी दरेक ना करता। ये भी मशहूर है कि सुल्ताना डाकू अपने मक्तूलीन या मुखालफीन के हाथ की 3 उंगलियाँ भी काट डालता था। अमीर साहूकारों और जमींदारों के हाथों सताए हुए गरीब आवाम इसकी दराजी उम्र की दुआएं मांगते और सुल्ताना भी जिस इलाके से माल लूटता वहीं के जरूरतमंदों में तकसीम करवा देता। सुल्ताना की डकैतियों और दादोदश का यह सिलसिला कई साल तक जारी रहा, मगर अंग्रेजों की हुकूमत थी और वो ये सूरत हाल ज्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सकते थे। सुल्ताना को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बरतानिया से फ्रेड यंग नामी एक तजुर्बाकार अंग्रेज पुलिस अफसर को इंडिया बुलाने का फैसला किया। फ्रेड यंग ने हिंदुस्तान पहुंचकर सुल्ताना डाकू की तमाम वारदातों का तफसीली मुतालिया किया और इन वाकयात की तफसील मालूम की कि जब सुल्ताना और इसके गिरोह के अफराद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ बच निकले थे। फ्रेडी यंग को यह नतीजा निकालने में ज्यादा देर नहीं लगी कि सुल्ताना की कामयाबी का राज इसके मुखबरों का जाल है जो महकमा पुलिस तक फैला हुआ है। वो ये भी जान गया कि मनोहर लाल नामी एक पुलिस अफसर सुल्ताना का खास आदमी है जो सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर पहले ही इस तक पहुँचा देता है। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी जहानत से मनसूबा साजिश की। सबसे पहले तो इसने मनोहर लाल का तबादला एक दूरदराज इलाके में कर दिया, फिर नजीबाबाद के अमायदीन की मदद से सुल्ताना के काबिल एतमाद शख्स मुंशी अब्दुल रजाक को अपने साथ मिला लिया। सुल्ताना डाकू भी मुंशी अब्दुल रजाक पर हद से ज्यादा भरोसा करता था। सुल्ताना की जायपना नजीबाबाद के नवाह में वाक़ जंगल था, जिसे कुजली बन कहा जाता था। यह जंगल इंतहाई घना और दरिंदों से भरा था, मगर सुल्ताना इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इसकी कमींगा जंगल के ऐसे घने इलाके में थी जहाँ दिन के औकात में भी सूरज की किरणें नहीं पहुँचती थी। सुल्ताना भेस बदलने का भी माहिर था और इसके छरीले बदन की वजह से इसे देखने वाला कोई शख्स भी नहीं जान पाता था कि यह सुल्ताना डाकू हो सकता है। फ्रेडी यंग ने मुंशी अब्दुल रजाक की इत्तला की बुनियाद पर सुल्ताना के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। सुल्ताना डाकू जू ही अपने काबिल एतमाद मुंशी अब्दुल रजाक के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा तो सैमुअल पर्सनामी एक अंग्रेज अफसर ने इसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। सुल्ताना ने पहले फायर करना चाहा, मगर पुलिस वाले इसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गए। अब इसने भागना चाहा, मगर एक कांस्टेबल ने इसके पैरों पर राइफल का बट मारकर इसे गिरा दिया और यूं सुल्ताना गिरफ्तार हो गया। फ्रेडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले आए, जहाँ इस पर मुकदमा चला और सुल्ताना डाकू समेत 13 अफराद को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। इसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की
की सजा भी सुनाई गई। 7 जुलाई सन 1924 को सुल्ताना डाकू को तख्तादार पर लटका दिया गया, मगर उमरा पर इसकी दहशत और आवाम में इसकी दादोदहश के चर्चे एक अरसे तक जारी रहे। सुल्ताना अंग्रेजों से शदीद नफरत करता था, इसी नफरत की वजह से वो अपने कुत्ते को राय बहादुर कहकर बुलाता था। ये एक एजाजी खिताब था जो अंग्रेज सरकार की जानिब से इनके हिंदू वफादारों को दिया जाता था। सुल्ताना के घोड़े का नाम चीतक था। जिम कार्बेट ने लिखा है कि जिस जमाने में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया जा रहा था, इसकी दोस्ती फ्रेडी यंग से हो गई। फ्रेडी यंग जो सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी का बायस बना था, सुल्ताना के कई वाकयात से इतना मुतासिर हो गया कि इसने सुल्ताना को माफ़ी की दरख्वास्त तैयार करने में मदद दी, मगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। सुल्ताना ने फ्रेडी से दरख्वास्त की कि इसके मरने के बाद इसके 7 साल बेटे को आला तलीम दिलवाई जाए। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना डाकू की ख्वाहिश का एहतराम किया और इसकी सजाए मौत के बाद इसके बेटे को आला तलीम के हसूल के लिए बरतानिया भिजवा दिया और बाद वो इंडिया वापस आया और ICS का इम्तहान पास करने के बाद महकमा पुलिस का आला अफसर बना, जहाँ से वो इंस्पेक्टर जनरल के अहदे से सुबकदोश हुआ। सुल्ताना डाकू अपनी ज़िंदगी में ही एक असातीरी किरदार बन चुका था। अवाम इससे मोहब्बत करते थे और इसके किरदार की खूबियों ने इसे अदीबों और फिल्म साजों को अपनी जारी मुतवज्जे किया और इसके बारे में हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड में फिल्में बनी। हॉलीवुड में इसके बारे में बनने वाली फिल्म का नाम द लॉन्ग डेविल था, जिसमें सुल्ताना डाकू का किरदार योल ब्रेनर ने अदा किया था। पाकिस्तान में इसके किरदार पर 1975 में पंजाबी जुबान में फिल्म बनाई गई, जिसमें सुल्ताना का किरदार अदाकार लाला सुधीर ने अदा किया था। सुल्ताना के किरदार पर सुजीत सराफ ने द कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू यानी सुल्ताना डाकू का एतराफी बयान के नाम से एक नॉवल भी तहरीर किया। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।